નમસ્કાર, હું મધુસ્મિતા સ્વાગત કરુચી આપણમાનકુ મો કિચેનકુ। આજે અમે આમ ગાં સ્ટાઇલર સજના શાગ તરકારી કરી દેખિબા। તો ચાલંતુ દેખિબા અમર એ સજના શાગ તરકારી પાઇ કોણ કોણ સબુ દરકાર। દેખંતુ અમે એ સબુ સામગ્રી ગુડુ નઈ અમે આજે તરકારી કરીબા। દેખંતુ મો એટી કિચે સજના શાગકુ બાચીકી ભલસે ધોઈકી નઈચી। गोटे बैगन ये काटिकी नहीं दुईट आलू और अल्प किसी सारु को काटिकी नहीं आ गोटे कंचा कदमी को काटिक एमती हलदी पा पकईक नहीं मसलार मुझे दुई चमच सोरस गोटे चमच जीरा गोटे सुखला लंका आउ सात रु आठ कोला रसुण ये नहीं या भलसे पानी रे पांच रु दस मिनिट भिजेक नहीं आम पेस्ट बनईद। ये किसी बढ़ी को मुझे भाजिकी नहीं तड़का लगे गोटे पियाज को काटिकी नहीं दुई कला रसुण दुईटी सुखिला लंका नहीं अल्प पंचफुटन नहीं चलतु ये स्टार्ट करवा से गोटे कढ़ई गरम करवा दुई चमच तेल पक काटिकी रखी आलु सारू को पकईद कंचा कदमी को पकईद एवं अल्प हलदी आउ लुण पक गोल ना या पांच मिनिट पर्यंत घोरईद। पांच मिनिट हो गला घोड़ी बाहर करदे आटिक रखि मसला को पकईद गोल आईद एबे याकु आउ पांच मिनिट घोरई दबा। देखंतु एबे पानी टा भलसे फुटी गलानी आमे काटिक रखिथिबा बैगन को सेतिरे पकई दबा। एबे आमे याकु घोरई दबा आउ पांच रु सात मिनिट पर्यंत याकु एमती छाड़ी दबा। देखु आमर एवं परिवाटा सीझी आस सजना शाग को पकईद आलसे गोल ना शाग को पकला घोरबानी घोर द्वारा सजना शाग टी बहुत जल्दी सीझी जाए था आ खाइबा को बिल्कुल भल भी लगि नथाए। एबे भाजी के रखी थबा बड़ी को सेतरे पकाई दबा आ साग पकेला परे 5 रु 7 मिनिट एमती भलसे गोळीला परे एको एबे गैस बंद कर दबा। देखंतु हमर रेडी हे गेला ई सजना साग तरकारी। एबे आमे सेतरे तड़का लगेबा से गोटे तड़का पैन गरम करवा दुई चमच तेल नवा तेल गरम हो गला सुखिला लंका से पकईद गोटे चमच पंचफुटन पकईद भलसे फुटा को छाड़ दबा। एबे काटिक रखी पियाज को से पकईद पियाजटा देखते भलसे भाजी गला छेचिक रखी दुई कला रसुण को सेतरे पकईद एमती रसुण छेचिक पकेले लास्ट रे भल बास्ना होता है। गोटे चमच चिली पाउडर पकेबा या द्वारा कलर टी भल आसी थाए। एबे आमे तड़का लगेदबा
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏଇ ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।